नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ मुख्य खबरों की ओर। रीवा जिले के सोहागी पहाड़ में शनिवार की सुबह एक सड़क हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में 7 यात्री घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी घायलों को त्योंथर सिविल अस्पताल भेजवाया गया। चिकित्सकों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया है। हालांकि सभी यात्रियों की हालत में सुधार है। मरहम पट्टी कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं सोहागी पुलिस ने बस मालिक से बात की है। कांग्रेस ने चुनावी दौर में बागियों को बगावत की सजा देना शुरू कर दिया है। कांग्रेसी दंड के दायरे में सतना जिला भी आया है। सतना के नागौर क्षेत्र के पूर्व विधायक को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है। नागौर क्षेत्र के पूर्व विधायक और बसपा प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने 6 वर्ष के लिए पार्टी से निकाल दिया है। विधानसभा चुनाव में पैसे को लाने ले जाने पर लगी रोक को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वह है सराफा व्यापारी। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की सख्ती से सराफा व्यापारियों का व्यापार इस कदर प्रभावित हुआ कि जबलपुर सराफा एसोसिएशन ने निर्वाचन आयोग के निर्देश की अवहेलना करते हुए चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है। जबलपुर में करीब 10,000 से ज्यादा सराफा व्यापारियों के परिवार वाले इस विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। ग्वालियर में दहेज में 25 लाख रुपए नहीं लाने पर एक डिप्टी कमिश्नर के बेटे ने पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया है। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के डीडी नगर की है। पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने पति, सास व जेठानी पर मामला दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। भोपाल में बीजेपी के कब्जे वाली नरेला विधानसभा सीट पर दो मनोज शुक्ला चुनावी मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी के विश्वास सारंग और कांग्रेस के मनोज शुक्ला के बीच है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक और मनोज शुक्ला डटे हुए हैं। इंदौर के एमवाई अस्पताल में एचआईवी प्लस मरीज को थप्पड़ मारने वाले जूनियर डॉक्टर ने सुसाइड का प्रयास किया। इसके बाद साथ ही जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। जूनियर डॉक्टर आकाश कौशल ने शुक्रवार रात मच्छर मारने की दवा की 2 बोतल पीकर जान देने की कोशिश की। समय रहते उन्हें भर्ती करा दिया गया। अब वह खतरे से बाहर हैं। इस बार दीपावली आचार संहिता के साय में मनाई जाएगी। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। शहडोल क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि दीपावली पर्व के अवसर पर पटाखों के प्रस्फोटन से होने वाले शोर के मानक के अनुसार 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी या 145 डीबी पीक से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय व उपयोग प्रतिबंधित है। उज्जैन की महितपुर सीट पर इस बार चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ दो प्रत्याशियों के नाम एक जैसे होने से चुनाव रोचक होंगे। दरअसल महितपुर सीट पर चुनाव बहादुर सिंह वर्सेज बहादुर सिंह होगा। तराना सीट की तरह यहां पर भी एक ही नाम के दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले मशहूर गायक अनूप जलोटा और दीप्ति गौतम भजन संध्या कार्यक्रम में शिरकत करने मुंबई से रीवा आए थे। देर रात तक चले कार्यक्रम के कारण आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन पाया गया। इसमें निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। चर्चा है कि कांग्रेस ने इस आयोजन को भाजपा का प्रचार बताया है। छतरपुर के चांदला में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, अच्छा हुआ कांग्रेस ने चुनाव से पहले धोखा दे दिया, वरना बाद में तो हम कहीं के नहीं बसते। एमपी की जनता ने देखा है कि यहां अगर किसी ने अलायंस को धोखा दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा, कमलनाथ की सरकार सपा के समर्थन से बनी थी, बाद में बीजेपी वालों ने करोड़ों रुपए में खरीद फरोख्त कर सरकार बदल दी और उन विधायकों को इस्तीफा दिलाकर पुनः जिता लिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।